हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की जो NABH की रिलीज़ की इम्पॉर्टेंट नोटिस है उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक बार जाके मेरे चैनल की मेंबरशिप का ज्वाइन बटन चेक कर लीजिए। अगर आपको पर्क्स और बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी टोटली डिपेंड अपॉन यू, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती है या कुछ है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं ठीक लगता है तो इट्स ओके। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। देखिए गाइज, जो पिछली वीडियो थी मेरी वो सारी फुल एक्रेडिटेशन पे थी स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की, और उसमें मैंने बहुत जगह पे ये चीज़ बताई है कि स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी और किसको हम स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, हम उन हॉस्पिटल्स को, उन नर्सिंग होम्स को इंक्लूड करेंगे जिनकी बेड स्ट्रेंथ 50 मींस की 50 या 50 से कम हो। ठीक है, 50 से अगर आपका एक बेड भी ऊपर चला जाता है तो आपको हॉस्पिटल स्मॉल हेल्थ केयर से हटके हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। ठीक है, तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, एक बेड बढ़ने से बिल्कुल स्टैंडर्ड चेंज ही हो जाएं। चेंज मींस चेंज नहीं होंगे बल्कि बढ़ जाएंगे आपके। NABH ने एक नोटिस जारी किया, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताई है। वो क्यों बताई है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्टली क्या होता है कि जो स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सेंक्शन बेड्स जो हैं वो 50 अबव ले जाते हैं। अब उनको पता कैसे चलता है, आप अपने लाइसेंस जो अपलोड करते हैं उसमें आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसमें सेंक्शन बेड मांगे जाते हैं उसमें आपके बेड जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं 50 से। ये नहीं कहूँगी कि सारे स्मॉल हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन के होते ही होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, बाय मिस्टेक जो है, जैसे अगर आप स्मॉल हेल्थ केयर में भी अप्लाई कर रहे हैं और आपकी बेड स्ट्रेंथ एक्चुअल में ज़्यादा है, ठीक है, सिर्फ डर के कारण कि हमारा जो है NABH 5th एडिशन जो है वो इम्प्लीमेंट ना करना पड़ जाए, उसके डर के कारण क्या होते हैं कि अगर आपके बेड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप उसको कम शो करते हैं तो उसको एज इट इज़ आप अपने जो NABH का पोर्टल है उसमें डाल देते हैं। बट क्या होता है, आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी ध्यान नहीं रखते, मोस्ट ऑफ द जो क्वालिटी कंसर्न होते हैं प्रेशराइज के कारण माइट बी ये कर देते हो कि जो आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो स्टेट बोर्ड का जो लाइसेंस है वो आप ऐसे ही अपलोड कर देते होंगे सेंक्शन बेड जो है अपने ज़्यादा एक्चुअल दिखा के। ठीक है, और NABH को आप बताते होंगे कि हमारे जो बेड्स हैं वो 50 से कम है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट ना करना पड़ जाए अपने स्टैंडर्ड्स को। तो क्या होता है कि वहीं से उन्होंने ये चीज़ देखी क्या, वो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों को पता होता है, उनके पैनल्स होते हैं, उनको पता होते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नोटिस की होगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताई है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि अगर आपके बेड स्ट्रेंथ 50 या 50 से कम है तो आपने, ध्यान से सुनिएगा, स्टैम्प पेपर के ऊपर जो डेक्लेरेशन मैं अभी आपको बता रही हूँ या आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये वाली डेक्लेरेशन जो है वो आपने प्रिंटेड फॉर्म में निकालनी है, और प्रिंटेड फॉर्म कौन से होंगे, स्टैम्प पेपर आपके। ठीक है, और स्टैम्प आपकी 100 रुपीज़ की लगेगी। ठीक, चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो डेक्लेरेशन है वो आप प्रिंट करके वहाँ पे स्टैम्प लगा दीजिए 100 रुपीज़ की, या फिर स्टैम्प पेपर पे एज इट इज़ निकाल लीजिए। ठीक है, वो भी आपको जाके कोर्ट के जरिए से लेना ही पड़ेगा। तो क्या है बेसिकली, आपने ये चीज़ क्या करनी है, डेक्लेरेशन प्रिंटेड फॉर्म में निकालिए और वो स्टैम्प पेपर पे जो कि 100 रुपीज़ की है, और ये जो आपका डेक्लेरेशन है वो आपने NABH के पोर्टल पर अपलोड करना है। ठीक है, साथ में आपका जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो भी है वो आप साथ में अपलोड करेंगे।
ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि आपके सैंक्शन बेड एक्चुअल में कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है कि जो हॉस्पिटल ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, जो बिल्कुल सही सही है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टिल मैं उन लोगों को बोलूँगी कि आप ये डिक्लेरेशन अपनी NABH के पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए, और जिनका कुछ ऊंच नीच हुआ है, थोड़ा सा एक आधा बेड जो है ऊपर नीचे चला गया है, वो लोग जो है आप लोगों को 18 मंथ्स का NABH एक ट्रांजिशन पीरियड देता है, उसमें आप अपने स्मॉल हेल्थ केयर को हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स आप जो 5th एडिशन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद इन ये जो 1.5 साल का टाइम पीरियड आपको दिया है, ठीक है। और ये जो ब्रेकेज है इसमें आप मीन्स समझिएगा उन इम्प्लीमेंटेशन को, क्योंकि स्मॉल हेल्थ केयर में जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। और अभी आपको पता है कि 5th एडिशन में कितने सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये लंबा सा टाइम दिया है 1.5 साल का कि आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। और जिन लोगों का डेटा एक्चुअल में सही है वो मैं बोलूँगी कि आप अपलोड कर ही दीजिए अपने NABH पोर्टल पे, ठीक है। आपका इसमें डॉक्यूमेंट होगा जो भी आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से है और आपकी डिक्लेरेशन, ठीक है, दोनों आप NABH के पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए और कोशिश कीजिए इसको जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें, ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से, जो भी आपका कोऑर्डिनेटर असाइन किया होगा NABH की कम्युनिकेशन के लिए, उनको जब भी आप ये NABH पोर्टल पे अपलोड कर देंगे तो आप एक रिमार्क्स कॉलम में अपने रिमार्क्स ऐड कर दीजिए कि हमने इस पोर्टल पे ये चीज़ डाल दी हुई है, ठीक है। उनको एक बार इंटीमेट कर दीजिए, या फिर आप उनको मेल भी सेंड कर सकते हैं अगर वो आपको रिपोर्ट करते हैं तो, बट अपनी तरफ से आप सारी चीज़ें बिल्कुल क्लैरिफाई रखिए, ठीक है। और अगर आप इसको नहीं करते हैं तो NABH जो है वो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। अगर आपका हॉस्पिटल एक्रेडिटेड है तो वो आपका सर्टिफिकेशन जो है वो कैंसिल भी कर सकता है, और अगर आपने जस्ट अप्लाई किया है तो वो तब भी कैंसिल कर सकता है। इसीलिए आप इसको जल्दी से जल्दी जो है वो कर लीजिए अपलोड। और अगर आप लोगों को मेल आ चुकी है कि आप इसको हेल्थ केयर में कन्वर्ट कीजिए, तो डेफिनेटली आप इसको हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। और ऑब्वियसली इसकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी, मैं आपको अभी से बता रही हूँ, ठीक है। तो स्मॉल हेल्थ केयर और हेल्थ केयर में डिफरेंस है, प्लीज़ इसको समझिए, ठीक है। स्मॉल हेल्थ केयर जो है वो अभी भी 2nd एडिशन फॉलो की जा रही है, जबकि जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो NABH के एडिशन उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, और अभी वाली जो चेंज है वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको तो कैटेगरीज में इवन डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको इजीली हर चीज़ समझ आ जाएगी। बट आप इसको अपलोड कर दीजिए, डिक्लेरेशन उनको दे दीजिए कि आपकी बेड स्ट्रेंथ इतनी ही है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसको अपलोड कैसे करना है, या कोई भी आपकी क्वेरी होती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी NABH की, हेल्थ केयर क्वालिटी से रिलेटेड हर एक चीज़, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।